हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये जो व्लॉग मैंने बनाया है वो है जन्माष्टमी का, जो कि फर्स्ट अमेरिकन जन्माष्टमी व्लॉग आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद पहला ये जन्माष्टमी पड़ा। तो हमने कैसे मनाया, वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ जो था वो अवेलेबल नहीं था, जैसे कि मेरे पास दिया भी नहीं था, बत्ती, ये सब कुछ भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से जो भी अवेलेबल था उसमें ही मैंने भगवान की पूजा की। और यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए दो ड्रेस हमने मंगाया था ऑनलाइन, जो कि भारत से ही आया था। तो वो एक येलो और एक ये वाला पर्पल कलर का जो हमने मंगाया, और ये रात्रि पूजन का है, और येलो वाला जो था वो मॉर्निंग के पूजा का था। और ये कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं वो घर से आए हैं, तो वो सारे फोटोग्राफ्स भी वहाँ पे भी लड्डू गोपाल एक भाभी के पास और एक हम लोग के बचपन वाले लड्डू गोपाल हैं, तो उनकी पूजा हुई है। और ये मेरी बहन ने पूजा किया है, तो वहाँ का ये है, उसने डाला है, तो बहुत ही अच्छा रहा। और मैंने क्या किया, इस बार भोग बनाई है वो बिल्कुल सिंपल सा, जो भी मेरे पास अवेलेबल थे यूटेंसिल्स और जो भी एमिनिटीज़ थे उससे मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार में ही पहले रख दिया था बटर और चीनी, और उसके बाद उसे अच्छे से व्हिप कर लिया, क्योंकि ऐसे हाथ से व्हिप करने में बहुत टाइम लग जाता, और रात हो चुकी थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ करने के लिए इसे ऐसे किया। और यहाँ पे कुछ बैटर डाल के मैं छोटा छोटा कुकीज़ की तरह बना रही हूँ, लेकिन ये कुकीज़ कम केक है, जिसमें मैंने कुछ फ्रूट्स के पल्प भी डाले हैं, और साथ ही में और यहाँ पे हलवा बन रहा है, तो ये सूजी और बेसन का हलवा है। तो मेरे पास जो भी चीज़ें थी उससे मैंने रेसिपीज़ बनाई, और ये सब्जी था आलू मटर का। अब रात्रि पूजन जो मैंने किया वो यहाँ पे पंचामृत स्नान कराया मैंने, तो पंचामृत मैं बना के ले आई और लड्डू गोपाल को मैं उससे नहला रही थी। बहुत अच्छा लगा भगवान को यहाँ पे पूजा करके। रात्रि हो चुकी थी, लेकिन वैसे तो यहाँ पे वैसा माहौल नहीं था कि सारे लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं जो नॉर्मल वाटर होता है उससे भी मैं भगवान को नहला रही हूँ। अब भगवान को मैं नहला चुकी हूँ, अब उन्हें तैयार करके आपको दिखाती हूँ। मैं सारे स्टेप्स नहीं दिखा पा रही हूँ डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ट्राइपॉड वैसा नहीं है जो मैं लगा के आपको दिखा सकूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए सारे भोग मैंने भगवान को चढ़ा दिया, और यहाँ पे कैंडल जो था वो मैंने जला दिया था भगवान के पास। और जो भी भोग मैं बनाई थी वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये सारे भोग मैंने बनाए थे, जैसे सब्जी हो गई बिना लहसुन प्याज की, फिर धनिया पंजरी जो है वो, फिर पराठे बनाए थे मैंने कुछ, और ये हलवा है वो बना था, और साथ ही में कुकीज़ जो मैंने बनाना स्टार्ट किया था, वो कुकीज़ कम केक है, ये सॉफ्ट केक जैसा है और कुकीज़ की तरह सेप्स है इसका। तो बस ऐसा ही रहा मेरा जन्माष्टमी का व्रत, और काफ़ी अच्छा लगा पूजा करके। आई होप दोस्तों आपका भी जन्माष्टमी बहुत अच्छा रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।